इलेक्शन के बारे में आपको बताएं कि इलेक्शन अब तक किस मरहले में पहुंच गया है। ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया 20 तारीख को शुरू हुई थी, 20 सितंबर को नोटिफिकेशन के साथ, उसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन हो गई 27 को, स्क्रूटनी हो गई 28 को, और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल था 1 अक्टूबर। उसके बाद आप जो है कन्वेंशन शुरू हो गई, पॉलिटिकल पार्टी जोर शोर से कन्वेंशन कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 6 म्यूनसिपैलिटीज हैं, कठुआ, हीरानगर, लखनपुर, नगरी परोल, मसौली, बिलावर, तो 6 के 6 जो म्यूनसिपैलिटीज हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है, और जिसके लिए हमारी 113 पोलिंग स्टेशन बने हैं, उनमें से एक जो है अनअपोज्ड हो गया लखनपुर से, इसलिए हमारे 112 पोलिंग स्टेशन पे वोट डाले जाएंगे 10 तारीख को। तो उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है, जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको कमीशनिंग उनकी चल रही है डिग्री कॉलेज कठुआ में, और पोल पार्टी जो डिस्पैच की जाएगी 9 तारीख को सुबह। सबसे पहले हम बसोली और बिलावर को भेजेंगे, थोड़े वो दूर हैं, उसके बाद जो बाकी की 4 म्यूनसिपैलिटीज बनती हैं उनका स्टाफ रवाना कर दिया जाएगा। और आज एक बड़े पैमाने पे एक ट्रेनिंग चल रही है और पोल पार्टीज जो फाइनल हो रही हैं, आज का रैंडमाइजेशन जो है उससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा जो ग्रुप है, कौन कौन से ग्रुप बनेंगे, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि इस ग्रुप ने कहाँ ड्यूटी देने जाना, ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। तो वो पोल पार्टीज बन गई हैं, तो अभी जो है ये 9 तारीख को जब डिस्पैच जिस दिन हमने करना है उसी दिन पता चलेगा कि किस पोलिंग पार्टी ने किस स्थान पर जाकर ड्यूटी देनी। बाकी आपको बता दें कि कितने कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कठुआ के जो 6 म्यूनसिपैलिटीज हैं उनमें कुल मिला के 55,074 वोट हैं, और जिसमें मेल वोट हैं 28,773 और फीमेल वोट जो हैं 26,301 वोट हैं। टोटल जो वार्ड हैं 80 हैं, टोटल पोलिंग स्टेशन 113 हैं, टोटल नंबर ऑफ पोलिंग लोकेशन 60 हैं, और कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो पूरे 6 म्यूनसिपैलिटीज में हैं वह हैं 368,368, और इनमें जो हाइपर सेंसिटिव स्टेशन है हमारे पोलिंग स्टेशन वो हैं 15, सेंसिटिव 53 और नॉर्मल जो हैं 45 है। तो इसके लिए हमने 13 नोडल ऑफिसर लगाए हुए हैं, सीनियर ऑफिसर जो हैं मॉनिटर कर रहे हैं पूरे के पूरे इलेक्शन को, अलग अलग चीज़ों के कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हर एक चीज़ की बराबर मॉनिटरिंग चल रही है। तो कुल मिला के अभी तक शांतिपूर्ण जो है कन्वेंशन चल रही है, उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो जाएगा, और 10 तारीख को मतदान के बाद जिसका समय सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक है, पोल पार्टीज जो हैं वापस कठुआ आएंगी और काउंटिंग डिग्री कॉलेज कठुआ में होनी है, वहीं पर मशीनें जमा की जाएंगी और वहीं स्ट्रांग रूम बना हुआ है, 20 तारीख को फिर काउंटिंग होगी जिसका पूरा प्रबंध किया जाएगा, और 20 तारीख को ही नतीजे घोषित कर दिए।